नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये न्यू हॉलैंड है 3630 प्लस टी एक्सट्रैक्टर फोर व्हील ड्राइव, और इसके पीछे है ना सुपर सीडर जोड़ रखा है आठ फुटे सुपर सीडर के साथ में है। आज इस ट्रैक्टर जैसे क्या है, ये कि सुरेंद्र महला जी के पास इन्होंने तैयार करवा रखा है ट्रैक्टर, और इसका जैसे भाई माइलेज के बारे में पता लगाऊंगे, थोड़ा चला के भी दिखाऊंगे भाई कितने आरपीएम पे चलाए हैं, कैसे क्या इसका सिस्टम सारा है, तो चलो बात करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई प्रदीप। एक बार आप अपना नाम पता बताओ जी। भाई नाम बबला और वीरेंद्र, गांव त्याड़ मलिक। अच्छा, ये आपने ट्रैक्टर जैसे ये आप सुपर सीडर पे चलाओ हो, आपने सुरेंद्र महला जी पे तैयार करवाया था ये, तो ये सुपर सीडर में क्या परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर की? 12-13, 14-15 सारे चक्र आप चला ले आराम से, मार दियो 9 किले काट दे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब 9 एकड़ जमीन निकाल दे, 8 एकड़ निकाल दे इकट्ठी हो एक साथ में। हां एक साथ में, तो 9 एकड़ एक टंकी में। टंकी कितने लीटर की इसकी? 60 की। अच्छा 60 लीटर की टंकी। छोड़ भी दे 2-2.5 लीटर का टी ऊपर हो, छोड़ भी दे है ना। हां ना वो तो छोड़ भी दे, वो तो चीज है। अच्छा 8-9 एकड़ जमीन निकाल दे एक साथ में इकट्ठी। 9 एकड़ निकाल। और आरपीएम पे कितने चलावा इसने? हम चलावा जब बान हाओ दो उसमें 1200 पे। अच्छा जुगुर हर रोज निकाल रखा हो पहले उसमें 1200 आरपीएम पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ना तो अपना जुगुर 1500 पे चलाते रहो। हां 1500 से ऊपर चलाने जरूरत नहीं पड़ी। हां कुछ भी दबता नहीं हो, कोई दाब नहीं मानता, कुछ दाब नहीं भी धरती है, देख लियो 1500 आरपीएम पर कतला ही उतर जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब जो मट्टी तक गया तो फिर खेत ऊंचा नीचा भी है। हाँ, तो या पानी भी ना पीती ना गणी उसी हास्ती एक बाबा बिना लिस में पनिया खड़िया था इतनी। अच्छा अच्छा अच्छा, जमीन नहीं सी है यार। ठीक ठीक है, चला के दिखाओ तो थोड़ा, एक ट्रैक्टर दिखाओ चला। आपकी रोक ले जी, रोको रोको रोको, एक बार रोको बंद करो। हाँ जी, आप आपने तो देखा होगा। हाँ देखा भाई। किसा के लगे? नाम कवर सिंह है, त्याड़ मले गांव है मेरा। हाँ जी हाँ। और भाई बहुत बढ़िया चला भाई, सारा पड़ रही है। नहीं जुगुर जी, वो सुरेंद्र महला जी ने तैयार करवाया हुआ ट्रैक्टर, तो जुगुर नॉर्मल ट्रैक्टर में इस ट्रैक्टर में कितना अंतर लग गया आपने? भाई अंतर तो बढ़िया चल रहा है, 4x4 है। हाँ नहीं जुगुर ताकत लगाए पीछे, जुगुर ट्रैक्टर जुगुर बढ़वाए पीछे। अब ट्रैक्टर जुगुर माले हर रोज में चलावे हैं, और दूसरे भी तो हैं अपने काम में। नहीं नहीं क्रेन चला लो भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत कोई शिकायत नहीं? नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, मजा आ रहा है, काफी मजा आ रहा है, और भी लेना मरा। अच्छा चलो एक बार चला के दिखाओ जी, ट्रैक्टर चला के दिखाओ एक बार, एक मिनट जाओ, दोनों लीवर नीचे करोगे भाई 1500 आरपीएम पे, लो के पहले गियर में दोनों लीवर नीचे हैं, और सुपर सीटर में देख लो आगे बांध देख लो, उसका भी ठीक नहीं रहा है। यो आपने खेत में जुताई बीज बिजाई के हिसाब करके रखा ना पूरा? अब बीज ज्यादा गहरा भी ना जावा, हर तरीके से सारे तरीके से। अच्छा 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 अच्छा, पत्ती लग रही है एक लेवल के, जो तो जमीन उसके हिसाब का है ना जी, बाई के हिसाब का, बाई के हिसाब तक रखा ना, ज्यादा ज्यादा कह रहा बीज गिर दिया फिर वह दिक्कत आओगी, समस्या होगी। अच्छा अच्छा, बारह सौ चलाई और 1200 पे कमाओ कमाओ, एक करो चिंता करो। ये लो 1200 आरपीएम, 1200 है भी वो।
इसने, खेत ऊंचा नीचा भी है उसके कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सके। बंद करो एक बार, बंद कर दो। जुगरी में चलाओ आप, पिसाई के शाम में जुगरी में खेत में पराल परूल हो, उसमें पिसाई में दिक्कत नहीं आती? कम आरपीएम में दिक्कत नहीं आती, सही काम करे। देख लिया घास खड़ी है नहीं है तो घास खड़ी है तो चलो एक अलग चीज है। बाकी मैं उसकी पूछा जैसे पिसाई पिछली में काम कर रहा है, पराल कटने 1500 पर सही पिसाई कर दे। बिल्कुल बढ़िया कर, बढ़िया कर। खैर वो जिस दिन कम था उसके साथ ट्रैक्टर चाल भी कम हो गया है, थोड़ा आरपीएम कम सीटर का भी थोड़ा फर्क है ना, ये मेशियो वाला बढ़िया सुपर सीटर है। हाँ वो उसका थोड़ा देखो क्वालिटी का तो फर्क पड़ा है एक चीज का। ठीक ठीक, मतलब आप कुल में ले आ गए ट्रैक्टर जो ठीक करवा के ले आए हो, मेला साफ दो है, मजा आ गया। अरे मतलब जो ठीक करवाए पीछे डीजल में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? आधा पहले कितना लिया यार था क्यों कर गया? पहले 12-13 किलो निकाल लिया, करता है रो में भी 24 किलो निकाल दे पीछे। अच्छा रो कुल 12 किलो, कुल 12-13 किलो निकाल लिया, आधा फर्क पड़ गया। आधा फर्क पड़ गया, वो तो ट्रैक्टर लोड ना मानता था उसका फर्क पड़ गया। ट्रैक्टर चल रहा है, दूसरे में चलाओ तीसरे में चलाओ, मतलब कौन से तीसरे कौन से में आई गए? में आई गए तीसरे में, रो में 18 गियर रो में आई गए तीसरे में चल जा है तपड़ा में खूब सारा दिन भाव है। हाँ जी हाँ, बताओ बताओ। इसके दौड़े आ गए भाई, ये काम करते हैं। अरे मेरे ख्याल है पांचवी क्लास में जो ट्रैक्टर चलाने लग गया था। अच्छा अच्छा, पांचवी क्लास में होगा ही उम्र भाई, ज्ञान है भाई बहुत गणा है, बहुत गणा करे भाई दूर। अरे भाई मेरा क्लास पहलू, अरे मन देख लो, इसने देख लो वो गंदा होगा भाई। ट्रैक्टर आगे जुगाड़ में बनाते के बना दू, मैं के करवा दू के ना करूँ ना जी ना जो जुगाड़ करवाए पीछे इस बार तो फायदा मिला है भाई ने। हाँ। ऐसी बात नहीं, जो डीजल का खर्च बता रहे हैं ट्रैक्टर करवा लिए ना, छोटे छोटे थे तो भी अड़मेला लग गया रहे ना, ये उनकी पावर बता दी यार। अपना गंगन सार भाई, गंगन सार की पहले पहले गंगन सार ही देखा उधर दिखता घोड़ा जी, वो धुंध में थोड़ा दूर गणा है ना, 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 भाई। हाँ वो चोटी आँखें दिखा, कैमरे एक अलग चीज हो है। कैमरे ने मारा साफ कर देना भाई, साफ सही थोड़ा जूम ना हो पाता। हाँ। हाँ। भाई जब यू मारा भाई था ना छोटा ट्रैक्टर लिए का आते हम, उसमें फिर ना ड्राइवर कितने बैठे आ गए भाई, हम तो तोड़ दिया थे, हम रैली से बजोड़ लिया था मारा भाई भाई ट्रैक्टर के बारे में सब। अरे भाई मारे गांव में यू एक ट्रैक्टर है जो भाई लेगा रहे है। अरे भाई इस तब 4x4, अरे भाई मेरे ख्याल कदे हरियाणा में यू एक हो ना। ना जी बहुत हैं, बहुत हैं तो। हाँ चलो आप जगह इस फील्ड में, इस फील्ड लाइन तक हो कौन है ना, जगह ज्यादातर आप किसी और काम में लाग रहे हो तो ज्यादा आपने जगह। हाँ नौकरी सर्विस भाई सारे भाई हैं जो भी भाई, राम राम भाई। मतलब एक चीज बताओ, ये आपने जो करवाए साल के करीब हो गया ट्रैक्टर? हाँ रिपर के सीजन में आया था भाई। अच्छा रिपर के सीजन में आया था, मतलब जून जुलाई में। हाँ। आज भी अक्टूबर नवंबर आ गया। हाँ। दिसंबर नवंबर आ गया। हाँ। आज तक ट्रैक्टर में कोई टूट फूट आई एक्स्ट्रा? ना भाई कुछ नहीं हो लिया, सिर्फ सर्विस कराओ ट्रैक्टर चलाओ, और अपने चलाऊंगा कोई नहीं। मतलब ये हो ना, कई बार ट्रैक्टर में मॉडिफाई करवाए पीछे ये हो ना दिक्कत ना आ जाए, कोई कोई पंप की दिक्कत है, डीजल की, और कोई कहीं तक कोई टूट फूट होगी। देसी जुगाड़ करता नहीं। कोई नहीं कोई नहीं, इसकी बात अलग है जी, वो अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह सही है, हर चीज की अपनी एक क्वालिटी है जी। देखो आप चार आदमी खड़े हो, चारों आदमी अपनी अपनी क्वालिटी है, उसमें नहीं क्या खासियत है, हर एक चीज की अपनी खास बात हो, हर एक चीज वो तो एक अलग सिस्टम है। तो कुल मिलाकर जो आप खुश हो? खुश है भाई बिल्कुल, कति प्रदीप भाई। अच्छा अच्छा, सुपर सीटर में जरूर, क्योंकि सुपर सीटर पर ट्रैक्टर की जान ले ली है। हाँ, इसके हिसाब से सही चल रहा है हमारे ना, तो मेरा लगता है कि देखने लायक रही हो तुम। ना ना वो तो देखा है जी, उसमें तो कोई दिक्कत है। एक काम करो, एक बार पूरा जरूर पूरा जोर लगा के दिखाओ एक बार ट्रैक्टर का, दोनों गियर कर पूरा जितना जो आप कर सको। नहीं नहीं लीवर तो खैर दोनों नीचे रहे हैं, दोनों लीवर पेडल लेवर गियर दे भाई, गियर रखे हैं 1200 चक्कर आप चलाना है 1500। ना ना कितने है कुछ कर भाई, फुल रेंज कर दे इसकी, ये पेडल में तो लगा दे 1200 चक्कर कर दे भाई, पूरी कर दे पूरी पूरी कर दे कभी। अब ये जो चक्कर बहुत ज्यादा हो जाएंगे रोटावेटर के, मिट्टी देख लियो
मॉडिफाई करवाने का फायदा, ट्रैक्टर क्या लोड नहीं मानता बिल्कुल। इस फांट में गाने दे गाने दे, यह देखो बिल्कुल गार है एकदम, जो इसमें चला के देखा था हमने बिल्कुल एकदम गार है, इसमें चला के देखेंगे एक बार। ट्रैक्टर ना जैसे खड़ा हुआ स्लिप लगाने लग जाए, 4x4 में लगवाओगे ताकि ट्रैक्टर एकदम रुके ना का। बंद कर दे ट्रैक्टर बंद कर दे, ठीक। ये देख भाई बिल्कुल गार है एकदम, ये देखिए बिल्कुल पाइप की लाइन बन गई प्रॉपर, बिल्कुल एकदम कीचड़ गार है ना, बिल्कुल जो गीला गार, इससे ज़्यादा गीला हो नहीं सकता शायद। इसमें भी ट्रैक्टर अपना जरूर पूरा दम दिखा हुआ है, हल्का दबा तो है। ये देख गार कितनी का गार है, ये हो पाओ। इसमें तो ट्रैक्टर चलने का मतलब है नहीं, अब चल जाएगा इसमें देखो आगे देख मैटी की हो रही गार हो रही इकट्ठी गार हो रही वो है। तो इसमें भी फिर भी बेचारा जी लेकर निकाल ले है, आली ये गार है जी तो जाकर इकट्ठी हो रही है। इसमें तो मिट्टी फेंकता नहीं बिल्कुल गार है, वो गार उल्टी फिर लिपटे गार तो पीछे निकल नहीं सकती गार तो अपने आप। ये निकलना रही है बर्फी कट रखी है, ये देखो पूरी बर्फी कट रही है। ना इसे इसे मतलब खेत में कोई भी नहीं चलाता हो सुपर सीटर में, और दोनों लीवर नीचे कर कर पूरा हंगा, तो उस हिसाब की बात है ये तो। और 4x4 लगाएगा भाई, वो आड़े रह लेगा स्लिप काटे जाएगा स्लिप मार देगा। 4x4 हटवाएगा, 4x2 लगवाया भाई, अब तक खेत सूखा आ गया थोड़ा। परला टायर दिखाता हूँ आपको, परला टायर पूरी स्लिप निकाल रहे, चल दे चल। ये देख भाई इतना कीचड़ है, ना नीचे रहने दे, बैठ दोनों लीवर नीचे कर दे, लेके चल। अब ये 4x2 में लगा था, 4x4 में लड़के खिंचाई करते हैं ट्रैक्टर, अब देख मिट्टी कैसे फेंक रहा है, घुमा ले। क्या देख लिया, दोबारा लेके जाएंगे भाई 4x4 हटवा के बंद करवा के, कीचड़ है इतना बुरा हाल है, कीचड़ उस साइड कीचड़ में है बिल्कुल एकदम ट्रैक्टर। जान दे उड़ेगा, जान दे कार में बस, सीधा कर दे 4x2 लगा, ओके एक बार 4x4 हटा दिया चलन दे, दोनों लीवर नीचे हैं भाई। अब फिर कार में फसाया निकाला जानबूझ के, अरे 4x4 हटा दे,
बटवा दिया बटवा, देखो भाई यो यो है, चलन दे नीचे रहने दे नीचे रहने दे, ये देख ट्रैक्टर कैसे घूमने लगा, इतनी की इतना कीचड़ है, ये देख ये टायर हो गए गोल हो गए एकदम, लगा फोर बाई फोर लगा, हाँ अब फोर बाई फोर तक आयो कीचड़ में गया, निकलने चांस हो जाए ट्रैक्टर के, ये है ताकत का ट्रैक्टर नहीं दब रहा, अरे ये देख बिल्कुल कार है एकदम आगे कार एकदम कार है प्योर कार, ट्रैक्टर चारों टायर स्लिप पे स्लिप निकाल दे रहे हैं बंद कर दे बंद बंदा कर दे ट्रैक्टर बंद कर दे, इस कंडीशन में तो शायद कोई चलाता होगा ट्रैक्टर ने, हाँ बत्तर ने भी तो चलाया है, इसी कंडीशन में है ट्रैक्टर में को चल जाएगा ना, ये तो मेरा चिकड़ है बहुत कीचड़ है इसमें। नहीं नहीं ये बताओ जैसे आपने ट्रैक्टर चलाया है ये खूब चलाओ आप तो इस पर काम ड्राइवर करो ड्राइवर जो आप हो इस पर ट्रैक्टर जो परमानेंट हो आप तो आपने ये ट्रैक्टर जैसे दबदा देखा है दब्बा है ट्रैक्टर ना जी भी नहीं और भी चलाए होंगे आपने ट्रैक्टर ओलैंड वगैरह या फिर और भी ट्रैक्टर चलाए होंगे हाँ, जैसे तो पावर इसकी बढ़वा रखी है हाँ। तो उस हिसाब से मतलब क्या वो पावर ठीक बद रही है बहुत बढ़िया, अरे डीजल जो आप चलाओ परमानेंट डीजल खर्चा रहे डीजल खर्चा बिल्कुल सही है सही जायज है बिल्कुल एकदम जमींदार मतलब इतनी पावर लेगा इतना डीजल तो लेना जायज बना है अच्छा अच्छा मैंने तो कभी इसको 1500 चक्कर से बढ़ाया ही नहीं अच्छा 1500 चक्कर ऊपर चलाया ही नहीं आज तक अच्छा रे सही है फिर तो बढ़िया है वीरेंद्र जी, हाँ जी सही हाथ लग गया आपका तो बिल्कुल आपने पहले कित कित करवाया था ट्रैक्टर आप बता रहे थे लास्ट टाइम पटियाला के पास ले गए थे वो पाल वाला है कौन है उन्होंने इसी तीसरी कर दी थी पहले तो भी खत्म हो गया था ट्रैक्टर बिल्कुल पहले तो खत्म हो गया नहीं लगा हुआ धुआं धान डीजल ट्रैक्टर हुआ थम जा रोए में थम ज्यादा अच्छा 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 ये बताया था कंडीशन इसी है बिल्कुल कीचड़ है एकदम ट्रैक्टर नहीं रुक दब नहीं रहा अपना ठीक है स्लिप निकाल रहा है अपना चलते स्लिप काट दिया जागा दब नहीं गया तड़ा उतर जाओ अच्छा अच्छा ना ये तो है ये तो देखे जरूर ये तो टायर देखो ना बिल्कुल कीचड़ में भर रहे हैं एकदम ये तो पूरे गोल हो गए टायर एकदम पूरे पूरे यो मजा है पावर बढ़ाने का ठीक ठीक यह बिल्कुल एकदम गार है वजह इसी में ट्रैक्टर तो चलाना बहुत तो मुश्किल है चलो भाई निकाल दे थोड़े लीवर एडजस्ट करके निकाल ले बाहर लीवर एडजस्ट करने पड़े क्योंकि पीछे ना मिट्टी के वह गार बन गया है ट्रैक्टर में वेट भी बढ़ाया तो ट्रैक्टर अपने आप से निकाला है बिगाड़ के यो फर्क पड़ा है चीज का पावर बढ़ाने का मजा अब ये 4x4 में है ना अब जैसे है तो गिल्ली नीचे इतनी ज्यादा नहीं है गिल्ली तो है काफी आगे मिट्टी लेकर चल रहा है नॉर्मल मान के हिसाब से अब फिर यह कीचड़ आ गया है यो देखियो फिर कीचड़ मतलब उस वो वाला कीचड़ तो है नहीं वो तो इसलिए दिखा रहे देख भाई ट्रैक्टर में ना तो पावर का फर्क पड़ा है ये देखो बिल्कुल कीचड़ आ गया देखो वो ये वाली सिचुएशन होगी पर क्या सुक्का है चलन दे तो चलाया हो किसा लग है एक नंबर का मजा आ जाए जो पहले मेरी में घना फर्क पड़ रहा है बहुत फर्क है पहला अरो मैं 15-16 किलो रैली था 25 किलो निकाल दे 25 किलो निकाल दे 4x4 में हां 4x4 अच्छा मतलब कुल मिलाकर जो चीज का है जो फायदा होया है न्यू नुकसान वाली बात नहीं है पहले तो कह रहे थे तेरे पापा भी कह रहे थे वो ट्रैक्टर बेच देंगे हम तो ऐसा काम कर दिया काफी घूमे घूम फिर के बड़ी मुश्किल से लगे हाथ नहीं होता है और कोई जैसे कोई तोड़ फोड़ करिए ट्रैक्टर मॉडिफाई करवाने के बाद सर्विस कराओ ट्रैक्टर चलाए जाओ कितने एक जमीन जोत दो एक सीजन में कितना काम कर दो कितने घंटे चला दो लगभग ट्रैक्टर 200-250 किले जोतने हैं सुपर सीडर
जरूर सुपर सीटर 200-250 किले जो दोगे। अच्छा चलो बढ़िया, मतलब कुल मिला खुशी वाली बात है, मतलब पैसे लग गए जरूर दिखे हैं वहाँ ला कर। हाँ ना वो है, फायदा होना चाहिए, मेन जमींदारी का फायदा ही का पंगा है। चलो भाई बहुत अच्छा लगा भाई, यह थी भाई वीडियो, जैसी वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताना। और इस ट्रैक्टर की ना पावर बढ़वा रखी है भाई सुरेंद्र महला जी पे, इनका नंबर मैं नीचे दे दूंगा। ये तो यहाँ चला के दिखा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल कीचड़ वाला खेत है, ऊंचा नीचा खेत है, उस हिसाब से हरों में भी दिखाऊंगा कभी इसकी चाल आपको का लगेगा। तो जैसी वीडियो लगे